Tibetan Mastiff versus German Shepherd. Tibetan Mastiff एक रिजर्व इंडिपेंडेंट और इंटेलिजेंट होने के साथ एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन तिब्बत से है। तिब्बतन मस्टिफ की हाइट 24 टू 26 इंचेस होती है और वजन 40 टू 65 केजी तक हो सकता है, इसी कारण ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज कैटेगरी में आते हैं। वहीं जर्मन शेफर्ड एक करेजियस, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन जर्मनी से है। जर्मन शेफर्ड की हाइट 24 टू 26 इंचेस तक होती है और इसका वजन 30 टू 40 केजी के बीच होता है। ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉग प्रेफर कर सकें। पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी किसी भी नस्ल की जानकारी और अवेलेबिलिटी को आसानी से लोगों तक पहुंचा देती है और लोग उस नस्ल को ठीक तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में तिब्बतन मस्टिफ 147 नंबर पर आता है, वहीं पॉपुलैरिटी के मामले में जर्मन शेफर्ड 4th नंबर पर आता है, इसमें तिब्बतन मस्टिफ बहुत पीछे रह जाता है। टोटल अटैक्स। अगर आप एक डॉग ऑनर हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका डॉग किसी पर भी यूजलेसली अटैक कर दे, वरना डॉग अटैक्स के लिए आपको अच्छी खासी मुसीबत में जाना पड़ सकता है। तिब्बतन मस्टिफ अपने टेम्परामेंट को लेकर एक्टिवली अलर्ट होते हैं मगर एग्रेसिव नहीं होते। 2005 से 2007 तक तिब्बतन मस्टिफ ने 14 अटैक्स करे थे और स्टैटिक्स के हिसाब से ये नंबर 6 पर आता है। साथ ही जर्मन शेफर्ड अपने टेम्परामेंट को लेकर बहुत एक्टिवली अलर्ट होते हैं मगर एग्रेसिवली बिहेव नहीं करते। 2005 से 2007 के बीच जर्मन शेफर्ड ने 20 अटैक्स करे थे, इसमें तिब्बतन मस्टिफ आगे निकल जाता है। बाइट फोर्स। बाइट फोर्स एक अहम पहलू होता है किसी भी नस्ल की हार या जीत को तय करने के लिए, मगर ज्यादातर लोग इसे फाइट पैरामीटर से बाहर रखते हैं, तो आज इस वीडियो में हम इसे भी देख लेते हैं। वैसे हमने डॉग बाइट फोर्स और बिग कैट बाइट फोर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तिब्बतन मस्टिफ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड होने के साथ 550 PSI बाइट फोर्स तक जनरेट कर पाता है, वहीं जर्मन शेफर्ड 238 PSI बाइट फोर्स तक ही जनरेट कर पाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है और इसमें तिब्बतन मस्टिफ आगे निकल जाता है। वॉच एंड प्रोटेक्टिवनेस। तिब्बतन मस्टिफ अमेरिकन कैनाल क्लब के हिसाब से 5 स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है, वहीं जर्मन शेफर्ड अमेरिकन कैनाल क्लब के हिसाब से 5 स्टार वॉच एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर ब्रीड होता है। जर्मन शेफर्ड काफी समय से देश के लिए सर्व भी करते आ रहे हैं। वैसे हमने मिलिट्री डॉग ब्रीड्स के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। विद स्ट्रेंजर्स एंड किड्स। तिब्बतन मस्टिफ को स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट और बच्चों के साथ इन्हें सुपरविजन में रखने की सलाह दी जाती है, वहीं जर्मन शेफर्ड को स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट और बच्चों के साथ इन्हें बहुत ही आसानी से ढलता देखा जाता है। इंटेलिजेंस एंड लाइफ स्पैन। तिब्बतन मस्टिफ टॉप 10 इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नहीं आता और इसका लाइफ स्पैन 10 से लेकर 12 साल होता है। वहीं जर्मन शेफर्ड इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में नंबर 3 पर आता है और इसका लाइफ स्पैन 7 से लेकर 10 साल होता है। तो इंटेलिजेंस के लिए एक पॉइंट जाता है जर्मन शेफर्ड को और लाइफ स्पैन के लिए एक पॉइंट जाता है तिब्बतन मस्टिफ को। एनर्जी लेवल। जैसे हम इंसानों को फिट रहने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही डॉग्स की एनर्जी को चैनलाइज करवाने के लिए डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वरना ब्रीड एग्रेसिवली बिहेव करने लगती है। जर्मन शेफर्ड एक हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और एनर्जी लेवल में इसे 5 स्टार रेटिंग मिला है। वहीं तिब्बतन मस्टिफ एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज डॉग ब्रीड है और स्मार्टली एक्टिव होते हैं, एनर्जी लेवल में इसे 3 स्टार रेटिंग मिला है। तो ये थी हमारी एक वर्चुअल फाइट बिटवीन तिब्बतन मस्टिफ एंड जर्मन शेफर्ड। कैसी लगी आपको वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।